9 आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है। शहरों में जो हालात संभाल लिए गए, लेकिन गांव के हालात संभालने में शायद हमारा सिस्टम फेल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के हालात देखे नहीं जा रहे। शवों का अंबार, जलती चिताएं डरा रही है। गांव के मासूम लोग सहमे हुए हैं। ये तो अभी दूसरी लहर का प्रकोप है। तीसरी लहर में ना जाने क्या होगा, कैसे हालात संभलेंगे, या फिर वो दौर भी राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरी लहर से बचाव की, क्योंकि डराना हमारा मकसद नहीं है, हल खोजना या सही जानकारी देना हमारा मकसद है। इस खबर में हम बचाव के बारे में बात करेंगे, कोविड से बचाव की। दूसरी लहर के साथ ही जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उससे भी बचाव करना है। ये तीसरी लहर कब आएगी, इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं है। लेकिन बचाव के तरीकों को जानने के पहले देखिए दूसरी लहर कितनी भयावह हो रही है। यूपी का रायबरेली, यहाँ कई गांव में एक महीने के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई। इन 17 में से सिर्फ 2 की ही कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी 15 अस्पताल नहीं गए, लिहाजा सरकारी रिकॉर्ड में आई सिर्फ 2 मौतें। यूपी का गौतम बुद्ध नगर, जहां जलालपुर नाम का गांव है, यहां 14 दिनों के भीतर 18 लोगों की जान चली गई है। मृत्यु के लिए भी अगर ट्रेंड शब्द का इस्तेमाल करें तो वही घटनाक्रम। लक्षण सभी के कोरोना वाले और कम लोगों का टेस्ट, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ अलर्ट हुए और जमीन पर उतरे। यूपी का शाहजहांपुर, यहां एक गांव में 26 लोगों की जान चली गई और सरकारी रिकॉर्ड में 0। डॉक्टर ने कहा कि लोग जांच कराना ही नहीं चाहते, जबकि लोगों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने में 4 से 6 दिन लग रहे हैं। रिपोर्ट आने से पहले ही मौतें हो जा रही हैं। हरियाणा का रोहतक, यहां सरकारी दावे के मुताबिक 10 दिनों में 18 लोगों की मौत हो गई। कोविड के आंकड़े 6 के ही हैं, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि 40 लोगों की जान जा चुकी है और सभी में लक्षण कोविड जैसे थे। ये तो महज 4 जगह की बात की, बाकी ऐसा हाल हर 4 में से 2 गांव का नजर आता है। अब सवाल ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की तैयारियों की जरूरत है, गांव में क्या होना चाहिए, बच्चों को कैसे बचाना होगा और सरकार से क्या अपेक्षा रखनी है और सरकार किस तरह की तैयारी कर रही है, गांव में हालात कैसे सुधार सकते हैं। ये कड़वा सच है कि गांव में लोग अब भी वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि गांव में सरकार टेस्ट नहीं करा रही, करा भी रही है तो गाँव वाले खुद ही कोरोना के टेस्ट से भाग रहे हैं, संसाधन सीमित है। गांव में संक्रमण रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 मई को गाइडलाइंस जारी कर दी, फिर भी बड़े शहर या अस्पताल का चक्कर ना काटना पड़े, उसके लिए कुछ इंतजाम आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। क्या गांव में इस समय जिम्मेदारी तय करने से बात बनेगी? गांव के कई हिस्सों में अभी तक 4G नेटवर्क वगैरह नहीं पहुंचा है। ऐसे में सही तो ये है कि सभी गांव के प्रधान पंचायत भवन में कुछ ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करें, साथ ही इलाज की जो इलाज व्यवस्था शहरों में चल रही है उसे गांव में लेकर जाया जाए। कोरोना से बचाव को जो प्रचार हम फोन के कॉलर ट्यून में सुन रहे हैं, वो गाँव में वर्ड ऑफ माउथ की तरह रहे। इसका मकसद, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। लोग एक दूसरे को बताएं कि बचाव कैसे करना है। अगर लोगों को बचना है और तीसरी लहर को आने से रोकना है तो इतनी न्यूनतम व्यवस्था करनी ही होगी। देखिए बहुत न्यूनतम व्यवस्था है, अपर व्यवस्था बहुत हाई लेवल की हो सकती है। कई सलाहकार बताते हैं कि यदि दूसरी वेव के समय ठीक ठाक तैयारियां कर ली गई तो तीसरी लहर से काफी हद तक बचा जा सकता है। ये बात तो तय है कि तीसरी लहर का आना तय है। बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार अपने संवाद में ये कह चुके हैं कि गांव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या कहा और क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं और दिखा भी देते हैं। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है।
वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। इससे टीकाकरण से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करने में, पूरी प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए, शायद अब शासन प्रशासन सजग हो जाएं और लोग भी अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि इस वेरिएंट से बच्चों को कितना खतरा है और कैसे बचा जा सकता है। बच्चों पर कितना खतरा और कैसे बचा, खबरों की माने तो कोरोना की मौजूदा दूसरी लहर में भारी संख्या में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम उत्तराखंड से आ रही रिपोर्ट देख सकते हैं, जो बताती है कि उत्तराखंड में बीते 10 दिनों के भीतर 1000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी बच्चों के संक्रमित होने की खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन ये बात सुखद आश्चर्य की है कि इन बच्चों में कोविड के बहुत गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। शायद यही वजह है कि बच्चे इस संक्रमण से अभी तक बचे हुए हैं और जो संक्रमित हो रहे हैं उनमें लक्षण बेहद कम हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि कोरोना वायरस अगर फिर से म्यूटेंट होकर यानी रूप बदलकर कोई ज्यादा संक्रामक और घातक रूप अख्तियार कर ले तो उस स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित हो सकते हैं, ऐसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में कुछ बाल रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि बड़ों को संक्रमण से बचाया जाए और उनका जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। वैसे संक्रमण के ट्रांसमिशन की चेन में बच्चे सबसे नीचे हैं। अब अगर अस्पतालों में भर्ती होने की बात करें तो 1 से 2% बच्चे ही अस्पताल में भर्ती हुए। बच्चों में भीषणता बहुत कम है। आपको बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले बड़ों को बचाइए, उन्हें संक्रमण से दूर रखिए, उनका वैक्सीनेशन पूरा होना चाहिए, बच्चे अपने आप बच जाएंगे। वहीं कोविड से ठीक होने के बाद बच्चों में MSIS यानी मल्टी सिस्टम इंफ्लामेटरी सिंड्रोम दिखाई दे रहे हैं, जो काफी हद तक गंभीर समस्या है। वैसे अभी तक भारत में MSIS के गंभीर केस बहुत कम देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अभी से सावधान रहने की जरूरत है और जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं प्रशासन को उसको अमल में लाना चाहिए। गांव-गांव तक प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर करना चाहिए, योगी मॉडल को अपनाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर गांव हर कस्बे तक पहुंच रहे हैं, टेस्टिंग व्यवस्था वैक्सीनेशन की व्यवस्था सारी चीजें जांच रहे हैं। अगर सभी राज्य इस तरह से मॉनिटरिंग करें तो वाकई तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है और अगर तीसरी लहर आती है तो इसमें संक्रमण से बचा जा सकता है। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।